नमस्कार दर्शकों, इंडिया फर्स्ट न्यूज के एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं आज के सुविचार से। मित्रों, जिंदगी में अनुशासन का बहुत ही महत्व होता है, या यूं कहें जिंदगी ही अनुशासन होती है यदि आप सही तरह से जीना चाहें तो। यह अनुशासन यूं ही नहीं आता है, एक एक करके इस अनुशासन को बढ़ाया जाता है। सबसे पहले आप अपने उठने का समय फिक्स कर लें, या कोई एक काम ऐसा फिक्स कर लें जो सही समय पर होना शुरू हो, और ऐसा करते करते आप धीमे धीमे एक एक करके काम को बढ़ाते जाएं, और कुछ दिन बाद आपका पूरा शरीर ही अनुशासन में होगा और आपको भी अच्छा लगेगा। साथ ही जिस व्यक्ति पर आपकी निगाह पड़ेगी वह भी सुधरेगा, जो आपको देखेगा वह भी सुधरना शुरू होगा, क्योंकि अनुशासन के माध्यम से व्यक्ति का ऑरा बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और जो इसके प्रभाव में आता है वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता। तो आप भी अपने अनुशासन को अवश्य बढ़ाएं। अब देखते हैं आज का पंचांग। 24 मार्च 2019 रविवार का दिन है। स्वाति आज नक्षत्र, चतुर्थी आज तिथि है। अब देखते हैं आपका दिन कैसा रहेगा। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा है। वैसे सायंकाल आपका दिन और भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें सफलता सायंकाल तक प्राप्त होगी। आनंद की भी आज अनुभूति होगी। आज आप थोड़ी सी मिठाई खाकर अवश्य जाएं। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा दिन है। विशेष रूप से आज आपकी मेहनत रंग लाएगी, और जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र के कई अच्छे लोगों से आज मिलना भी होगा, और मानसिक रूप से आपको अपने कार्य को करके भी आज बहुत अच्छा लगेगा। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए हनुमान जी का दर्शन जरूर करें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को आज जो भी कुछ करना है थोड़ा सा संभल कर कार्य करें। दिन तो अच्छा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है हम जल्दबाजी में नुकसान कर बैठते हैं, या जल्दबाजी में कुछ और काम हाथ में ले लेते हैं जो हमारी सामर्थ्य से बाहर होते हैं। इन दोनों चीज़ों पर आपको नियंत्रण रखना होगा, और जो काम हाथ में है वह तो आप संपन्न कर ही डालेंगे। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए गाय को भोजन अवश्य कराएं। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन अनुकूल रहेगा। आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। हालांकि दिन बहुत मेहनत भरा है, लेकिन सफलता चूंकि मिल रही है इसलिए दिन बहुत अच्छा है। आज आप जो काम करने जा रहे हैं उस कार्य का शुभारंभ से पहले घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को आज के किए गए कार्यों के बेहतर परिणाम आने वाले समय में प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर आज आप जो काम कर रहे हैं उसका आज ही फल प्राप्त नहीं होने वाला है, लेकिन आज जो काम कर रहे हैं वह सफल होगा यह अवश्य ही है, क्योंकि आपकी दिशा आज बिल्कुल सही है। आज के दिन के लाभ को लेने के लिए थोड़ा सा ध्यान अवश्य करें। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज काम करना है, सोच समझ कर करना है, निर्णय करना है, बहुत सोच समझ कर करना है। आज बहुत अधिक काम ना करें, कुछ योजनाएं तैयार कर लें, आपकी योजनाएं सफल होने वाली हैं। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए धर्म ग्रंथों का पाठ अवश्य करें। तुला राशि के व्यक्तियों का दिन अच्छा है, शांत दिन है, खुशखबरी का दिन है। और वैसे आप जिन कामों को करने जा रहे हैं मित्रों की मदद से वह कार्य संपन्न होंगे, आपके लिए आज खुशखबरी भी प्राप्त होगी। दिन अच्छा है और दिन अच्छा रहे उन दोनों कामों के लिए मिठाई अपने मित्रों को अवश्य खिलाएं। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को आज थोड़ा सा खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। कुछ कार्य की अधिकता है, उस कारण भी आप थोड़े से तनावग्रस्त हो सकते हैं। दोपहर में 5-10 मिनट अपने लिए निकालें, थोड़ा सा शांत रहें, अकेले बैठकर चाय पिएं, दूध पिएं, कॉफ़ी पिएं, जो भी कुछ करें अकेले करें, आपको आनंद भी आएगा, दिन भी अच्छा व्यतीत हो जाएगा। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए अभी अच्छा दिन है। आज आपको सफलताएं भी मिलेंगी, काम भी सही होंगे, लोग भी आपकी अच्छी सुनेंगे, आज आप प्रसन्न रहेंगे, दिन और भी प्रसन्नता भरा रहे। लाल रंग का पुष्प अपने भगवान को समर्पित करें। मकर राशि वाले व्यक्तियों के व्यवसाय में आज उन्नति के योग हैं। नौकरी में भी आज अधिकारियों के सहयोग से आपके पेंडिंग कार्य संपन्न होने वाले हैं, लाभ आपको अच्छा मिलेगा। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे उसके लिए आप सफेद रंग के वस्त्र पहने। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन भाग्य को बढ़ाने के लिए आज धार्मिक कोई भी कार्य करेंगे उसमें लाभ मिलेगा। मंदिर भी आज जाना हो सकता है, लेकिन जो काम आप दूसरे लोगों के लिए करने जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा संभल कर कार्य करना होगा। अपने खुद के कार्य कर रहे हैं उसमें दूसरे की मदद लेनी होगी। तो आज दिन को गुजारने के लिए हनुमान जी का ध्यान करते हुए कार्य करें, लाभ मिलेगा। मीन राशि वाले व्यक्तियों का आज का दिन और थोड़ा सा
तनाव मेहनत भरा दिन है, लेकिन धनागमन के योग हैं, कार्य में सफलता के योग हैं। चाहे मेहनत कितनी भी क्यों ना लग जाए तो आप कार्य करते रहें, सफल अवश्य होंगे। दोपहर में आलस्य का त्याग करें। आज के दिन के लाभ को लेने के लिए गाय को रोटी अवश्य खिलाएं। मित्रों, यह था आपका दिन कैसा रहेगा। अब देखते हैं आज का रामायण। मित्रों, आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन सफाई का विशेष महत्व होता है। यदि आपके हाथ से चीज़ें बार बार घूमती हों, पता नहीं पड़ता हो, तो आज के दिन उन सब चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए। रविवार को संभाल कर रखी हुई चीज़ें घूमती नहीं हैं और हमारे दिमाग में भी वह बनी रहती हैं, इसलिए रविवार को सफाई का विशेष महत्व कहा जाता है। मित्रों, आज इतना ही, कल पुनः भेंट होगी। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। मुद्दों पर सीधी बात, आक्रामक अंदाज, आकर्षक ग्राफिक्स, पब्लिक की आवाज, सोशल मीडिया न्यूज में सबसे भरोसेमंद नाम इंडिया फर्स्ट न्यूज, पहुंचा 30 लाख के पार। अंतरराष्ट्रीय सर्च इंजन गूगल ने भी सराहा। लाखों दर्शकों की बना आवाज, इंडिया फर्स्ट न्यूज।